दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम ने 25,000 के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस टीम ने 3 मामलों का खुलासा किया है, जिनमें से 2 जफरपुर के और 1 बाबा हरिदास नगर का है। बताया जा रहा है कि पिता के हथियार का शौक बेटे पर भी चढ़ा और ये भी हथियार रखने लगा। इस शौक के चक्कर में जफरपुर में कहासुनी में इन्होंने मर्डर कर दिया था, तब से ये फरार चल रहे थे। अक्टूबर 2017 में जाफरपुर में एक मर्डर हुआ था, सचिन का मर्डर हुआ था। इसमें 2 वांटेड थे और नरेश और उनका बेटा विकी मोनू, ये दोनों पकड़ा गया। इन दोनों के ऊपर 25,000 का इनाम था और इनसे और बाकी 2 और केस खोल गया और इनसे 2 पिस्टल और 1 और कट्टा और प्लस का कुछ अम्युनिशंस मिला। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि विकास मर्डर करने के बाद दिल्ली से बाहर भाग गया और राजस्थान जाकर अपराध करने लगा। पुलिस ने इनमें से एक के पास से पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जबकि दूसरे के पास से कंट्री मेड पिस्टल और कारतूस मिली है। दिल्ली से मोहम्मद अजीज के साथ अभय की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।